शो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स। आ जाइए, सुबह के 7:30 बज चुके होंगे। आप सभी लोग नींद से जाग चुके होंगे, और अगर नहीं जगे हैं तो मैं आपको जगाने आ रहा हूँ। अजीत मेहता सर आपके लिए तरोताज़ा करंट अफेयर्स को लेके आ गए हैं, तो फटाफट नींद से जगिए और क्लासेस को देखिए। पेन और पेपर लेके आप बैठ जाओ और क्लासेस की शुरुआत कर लो। डेली न्यूज़ एनालिसिस, आप अगर जेपीएससी की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, बीपीएससी की तैयारी करते हो, या सीडीएस की तैयारी करते हो, या सीएपीएफ की तैयारी करते हो डियर, तो डेफिनेटली आपके लिए यह फायदेमंद होगा। और जैसा कि मैं आपको कहता रहा हूँ कि जिस तरह से नए ट्रेंडों में करंट अफेयर्स के ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, ऐसे में मैं चाहूँगा कि आपका करंट अफेयर्स पहले की सभी विद्यार्थियों के अपेक्षा में काफ़ी मजबूत हो, इसलिए मैं आ गया हूँ। बट डियर, आपको वन थिंग्स करने होंगे। यू हैव टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल्स, दैट इज एमएनएन ट्यूटोरियल्स। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपके लेसन्स नहीं मिस होंगे, रेगुलर करंट अफेयर्स देख पाओगे, और जो वीकली जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, उसको भी आप पूरी ताकत के साथ कर पाओगे। ओके, तो 7:30 बजे डेली हमारी आपकी मुलाकात होगी, और इसी मुलाकात की आज ये कड़ी है। यूट्यूब एट द रेट ऑफ एमिनेंट ट्यूटोरियल्स आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। जो लोग नहीं किए हैं उनको मैं कहूँगा कि आप कर लो। आप हमारा इंट्रोडक्शन देख लो। अजीत कुमार, 5 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज जनरल स्टडीज इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स को मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, पिछले 5 सालों से पढ़ा रहा हूँ। गेस्ट फैकल्टी चाणक्य आईएएस एकेडमी एंड रेगुलर फैकल्टी AAA स्मार्ट इंस्टीट्यूट अन अकेडमी प्लस एजुकेटर्स। ओके, यू कैन फॉलो मी ओवर टेलीग्राम्स लाइक एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। यू कैन फॉलो मी एट द रेट ऑफ इंस्टाग्राम, दैट इज एमिनेंट अजीत। यू कैन सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, दैट इज एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। एंड यू कैन फॉलो मी एट द रेट ऑफ फेसबुक, दैट इज एमिनेंट अजीत। आप सभी जगहों पर मुझे आप पाओगे, ऑल सोशल मीडिया में मैं प्रेजेंट हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार की किसी भी तरह से मुझसे कम्युनिकेट करना हो, यू कैन ईजिली कम्युनिकेट अस। ओके, सो टेलीग्राम पे आप आ जाओ, अपने ग्रीवेंसेस को रख सकते हो, अपनी डिमांड्स को रख सकते हो। एमिनेंट ट्यूटोरियल्स हमारे टेलीग्राम ऐप्स है, डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप्स, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। ओके, आइए, एटीट्यूड्स एवरीथिंग्स, जो एटीट्यूड्स होता है हमेशा सब कुछ होता है। न्यू डेज न्यू स्ट्रेंथ न्यू थॉट्स, नई दिन होनी चाहिए, नई ऊर्जा होनी चाहिए, नई ताकत होनी चाहिए, और नए विचारों के साथ आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। डियर, मैं आपको बता दूं कि अजीत मेहता सर को आप सब्सक्राइब करो एट द रेट ऑफ यूट्यूब यूनिमेन ट्यूटोरियल्स, ताकि आपका एक भी लेसन मिस ना हो और क्लास को कंटिन्यू करते रहें। डियर, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आइए, पहला आपके एनालिसिस आपके सामने है कि हॉकी इंडिया ने ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ईटीनीस ग्लिचिंस अवार्ड्स। हॉकी इंडिया को प्रतिष्ठित ईटीन ग्लिचिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो हॉकी इंडिया की टीम है उसे एक प्रेस्टिजियस, यू कैन से ATN's ग्लिचिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हॉकी इंडिया वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ATN's ग्लिचिस अवार्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन एंड वर्क टुवर्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हॉकी इंडिया। जिस तरह से हॉकी इंडिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, इसके लिए इन अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। माइक्रोसॉफ्ट टू रिटायर इंटरनेट एक्सप्लोरर इन जून 2022। 2022 में माइक्रोसॉफ्ट जो है अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिटायर कर रहा है या सर्विसेज को हटा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने डिक्लेयर किया है 19 मई 2021 को दैट द इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 डेस्कटॉप ब्राउजर्स विल बी रिटायर्ड ऑन June 15, 2022 फॉर सर्टेन वर्सन ऑफ विंडो 10। तो विंडो 10 के सर्टेन वर्सन से इसे हटाया गया है। रीजन्स क्या है? वी आर अनाउंसिंग दैट द फ्यूचर्स ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इन विंडो 10 इज इन माइक्रोसॉफ्ट एज। हमें इनके बदले में ये क्या ला रहे हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट एज को ला रहे हैं। एंड द कंपनी स्टार्टेड ऑन इट्स ऑफिशियल ब्लॉग ऑन 19 मई 2021। द कंपनी नोटेड दैट द लीगेसी इंटरनेट एक्सप्लोरर बेस्ड वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन द न्यू माइक्रोसॉफ्ट एज मॉडल, दैट इज 2022-29 तक ये काम करता रहेगा। द कंपनी हैज़ बीन मूविंग्स अवे फ्रॉम द इंटरनेट एक्सप्लोरर ओवर द पास्ट ईयर्स एज इट हैज़ बीन वर्किंग माइक्रोसॉफ्ट एज विथ IE मोड टू रिप्लेस द इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑन सर्टेन वर्सन ऑफ विंडो 10।
तो विंडो 10 के कुछ वर्सन से जो है इसे डिलीट किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट सेड दैट विंडो 10 LTSC विंडो 10 LTSC सर्वर इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 डेस्कटॉप एप्लीकेशंस एंड द MSHTML ओके इंजन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द दिस एंटायर या दिस रिटायरमेंट ऑफ IE। तो जिनका लीगली इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा 2029 तक, बट नॉर्मली जो है इंटरनल एक्सप्लोरर को रिप्लेस किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एज के द्वारा, स्पेशली ये विंडो 10 में ये देखने को मिलेगा। आइए, माइक्रोसॉफ्ट इन देयर ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट मेंशन दैट द कंपनी इज ट्रांजिटिंग टू माइक्रोसॉफ्ट एज फॉर डिलीवरिंग ए मोर सिक्योर। ऐसा इन्होंने क्यों किया है कि मोर सिक्योर फास्टर एंड मॉडर्न ब्राउजिंग एक्सपीरियंस टू द यूजर, ये यूजर को काफ़ी सिक्योर सुरक्षित फास्टर और मॉडर्न ब्राउजिंग एक्सपीरियंस दिलाना चाहते हैं। द कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड दैट द माइक्रोसॉफ्ट एज विल एड्रेस द की कंसर्न ऑफ कॉम्पैबिलिटी या कॉम्पैटिबिलिटीज ऑफ लीगेसी इंटरनेट एक्सप्लोरर बेस्ड वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। जिनका लीगली बॉन्डिंग है, मान लो किसी कितने सालों के लिए बॉन्ड है, वो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर जाएंगे उसके ऊपर। गवर्नमेंट टू सेटअप द नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास ऑन द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। तो गवर्नमेंट ने एक नेशनल मिशन को सेट कर दिया है कि आप बायोमास को यूज करो इन द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में, बायोमास का आप यूज करो। डियर, बायोमास क्या होता है? वैसा कोई भी थिंग्स है जिसमें कार्बन की मात्रा क्या हो, ज्यादा बढ़ जाए। अगर मान लो कि ये फ्रूट्स है और ये भी फ्रूट्स है, लेकिन इस फ्रूट्स का साइज क्या है, बड़ा है। इस फ्रूट्स के साइज को बड़ा होने का रीजन क्या है कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही होगी, और फोटोसिंथेसिस का ज्यादा होने का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। द यूनियन पावर मिनिस्टर हैज अनाउंस दैट इट विल बी सेट अप द नेशनल मिशंस ऑन द यूज ऑफ बायोमास इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। तो जो बायोमास है उनका, जो कोल बेस्ड NTPC हो गया, जो थर्मल पावर प्लांट है जिनके कोल से प्रोडक्शन किया जाता है, उसमें बायोमास यूज कर सकते हो। एज पर द ऑफिशियल रिलीज बाय द मिनिस्ट्री द मॉडलिटीज ऑफ द ऑपरेशंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल मिशंस आर अंडर फाइनलाइजेशन। इट आल्सो बीइंग एक्सपेक्टेड दैट द मिशन विल हैव स्टीयरिंग कमिटीज विच विल बी हेडेड बाय द पावर सेक्रेटरी व्हाइल कंप्राइजिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पेट्रोलियम न्यू एंड रिनेबल्स एनर्जी मिनिस्टर्स। तो इतने लोग यहाँ पे इसमें शामिल हैं, और इन्होंने कहा है कि बायोमास का यूज करें। देखिए, बायोमास क्या होता है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, किसी भी चीज़ का आउटपुट होता है। ओके, आपने देखा होगा बड़े बड़े कुछ प्लांट्स हैं, प्लांट्स कुछ कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, ओके इनका आप प्रयोग कर सकते हो कोल बेस्ड NTPC के रूप में। ओके, PM मोदी टू डिलीवर द की नोट एड्रेस ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्चुअल बेशक ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑन बुद्धा पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल बेशक ग्लोबल्स सेलिब्रेशंस ओके के अवसर पर मुख्य भाषण देंगे कौन, PM मोदी, जो कि कल है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल डिलीवर द कीनोट एड्रेस ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्चुअल वैसक ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑन बुद्ध पूर्णिमा। ये बुद्ध पूर्णिमा बेसिकली डियर इसलिए क्योंकि भगवान बुद्ध को इसी बुद्ध के दिन ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और महापरिनिर्माण की प्राप्ति हुई थी, मतलब मोक्ष की भी प्राप्ति हुई थी। ओके, इसीलिए इसी दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ₹1,605 करोड़ सेंट्रल ग्रांट रिलीज टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अंडर द जल जीवन मिशन। देखो डियर, जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इनका एक ही कंसेप्ट है, हर घर नल से जल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके लिए इन्होंने स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन को फोकस किया है, और इसके लिए स्पेशल प्रोविजन ऑफ 1,605 करोड़ रुपीज का प्रोविजन मिला है। ये नॉर्थ ईस्ट रीजन को मिला है ताकि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट देखा जा सके। विद अ फोकस ऑन द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज 1,605 करोड़ टू 8 नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन टू प्रोवाइड टैप वाटर सप्लाई टू रूरल होम इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने गिव गो अहेड टू ओपन अप 143 खेलो इंडिया सेंटर अक्रॉस 7 स्टेट्स इन इंडिया। भारत सरकार
की जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जो कि किरण रिजिजू हैं, जिन्होंने खेलो इंडिया को बढ़ावा देने के लिए या इंडिया के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना 7 राज्यों में करने की बात करा है और अराउंड 143 करा है। तो देखिए महाराष्ट्र में आप देख सकते हो 3.60 करोड़ के लागत से ओपनिंग ऑफ द 36 खेलो इंडिया। तो महाराष्ट्र में 36 खेलो इंडिया सेंटर को एस्टेब्लिश किया गया इन 30 डिस्ट्रिक्ट्स। एंड मिजोरम की बात करोगे तो 2 खेलो इंडिया, ओके, एंड अरुणाचल प्रदेश की करोगे तो 52 खेलो इंडिया, और मध्य प्रदेश की बात करोगे तो 4 खेलो इंडिया, कर्नाटक की बात करोगे 31 खेलो इंडिया, और मणिपुर की बात करोगे तो 16 खेलो इंडिया। इट मीन्स सबसे ज़्यादा खेलो इंडिया की जो है वो जो आपके सेंटर्स बन रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, ओके। CSIR और CIO ट्रांसफर यूवी डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट शार्प कोविड टू 70 इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स। CSIR और CIO ने शार्प कोविड टू का मुकाबला करने के लिए 27 स्वदेशी निर्माताओं को यूवी कीटाणुनाशक तकनीक हस्तांतरित किए हैं। मतलब ये ऐसी तकनीक है जो अल्ट्रा वायलेट वेव के द्वारा जो है आप कीटाणु को मार सकते हो। देयर हैज बीन इंक्रीज द एविडेंसेस ऑफ द एयर बॉर्न रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शार्क कोविड टू। ये बेसिकली जैसा कि आपने देखा होगा कि फेज टू की जो कोविड आई है, कोविड 19-2 आई है, ये एयर में भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो एयर वाले को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था वाया एरियोसोल्स, विच इज़ नाउ कंसिडर्ड टू बी इम्पॉर्टेंट बाय द इंटरनेशनल एजेंसी WHO, रिबा एंड एशिया एंड द बाय हेल्थ अथॉरिटीज इन सेवरल कंट्रीज। ये एरियोसोल्स क्या होता है, एयर की जैसे आप देखो कि यहाँ से जो हवाएं उठती हैं बाहर और हवाओं के साथ जो मॉइस्चर होता है, ओके, इस मॉइस्चर में जल की मात्रा होती है, तो डेफिनेटली अगर हवाओं में है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मान लो बैक्टीरिया आपका वायरस है, ये वायरस है, तो ये एरियोसोल जो यहाँ से उठेगा इसको क्या करेगा, ये कैप्चर कर लेगा, ये कैप्चर कर लेगा, और यहाँ से यूवी रे जो है इसको क्या करेगा, किल कर देगा। तो यूवी रे अल्ट्रावायलेट रे का प्रयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है, इसे किल किया जा सकता है। साइंटिस्ट डेवलप ए मैग्नेटोमीटर फॉर लो कॉस्ट रियलेबल्स एंड रियल टाइम मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। देख रहे हो डियर कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स को जो है काफ़ी कम पैसे में डिटेक्ट किया जा सकता है। द रिसर्चर्स हैव डेमोंस्ट्रेटेड ए लो कॉस्ट डिजिटल सिस्टम टू इफिशियंटली मेजर अननोन मैग्नेटिक फील्ड्स। तो आप जिस सेंटर पे जाते हो और आपको मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं है तो इसके लिए ये कर सकता है। तो डिजिटल सिग्नल्स आर द बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स प्रोसेस्ड बाय द हार्डवेयर सिस्टम दैट ट्रांसमिट एंड रिसीव द सिग्नल्स विद हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट सिस्टम कॉल्ड डिजिटल रिसीवर सिस्टम और DRS। तो देखो डिजिटल सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटली अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाने से वहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पता लगाया जा सकता है। DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्टेड स्टार्टअप डेवलप एफोर्डेबल टेस्ट किट फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ COVID-19 इन रूरल एंड रिसोर्सेज कंटेंट एरिया। वैसे एरिया में जिस एरिया में रिसोर्स की कमी है या फिर ग्रामीण एरिया के अंदर DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक काफ़ी अफोर्डेबल टेस्ट किट को डेवलप किया। द टेस्ट किट डेवलप बाय द पतंजलि फार्मा विल कम्प्लीमेंट द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ RT-PCR एंड रैपिड एंटीजेंस। ये जो RT-PCR रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं ना, इसके बदले में आप इस किट का प्रयोग कर सकते हैं एंड मेक इट वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल वन अवेलेबल इन द मार्केट, और अभी तक का सबसे अफोर्डेबल किट होगा जिससे आप COVID-19 की जाँच कर पाओगे। ओके, सो डियर ए लॉट ऑफ थैंक्स टू अटेंड माई क्लासेस, प्लीज कंटिन्यू टू अटेंड योर क्लासेस because it will enhances your knowledges. Okay, you have to follow me Telegram, that is MN Tutorials. You have to follow me Facebook, MN Tutorials. Subscribe YouTube channel, that is MN Tutorials. And a Telegram pe aa sakte ho, and Telegram pe MN Tutorials, Instagram pe Eminent Ajit ke naam se aa sakte ho. Each and every popular, most popular social media, I am there, so that you are not facing any difficulties to follow me, okay, but need to be follow me so that you are not lose any lessons. So daily news analysis mein
आपने जो आपको लेसन को सुना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए फायदेमंद होगा एग्जामिनेशन कंसर्न से। तो थैंक यू फॉर वॉच मी सब्सक्राइब एट द रेट ऑफ यूट्यूब चैनल्स दैट इन एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। इफ देर इज एनी डिफिकल्टी दैन यू राइट एमिनेंट ट्यूटोरियल्स बाई अजीत मेहता सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वी विल मीट टुमारो विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव नॉलेजेस। ओके।